नमस्कार दोस्तों, मैं तुहाडा दोस्त मनु। और जिन्ना भी मेरे वीरां दा अज एग्जाम है जां शिफ्ट 2 च है जां शिफ्ट 3 च है, तां ओह एक बार इस वीडियो नूं ध्यान नाल देख लेना ते इन्हां क्वेश्चनां नूं राइट डाउन कर लेना। एंड जे तुसीं इस इंपोर्टेंट क्वेश्चनां दी पीडीएफ फाइल नूं फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे तों लैणा चाहुंदे हो तां इह मेरा इंस्टाग्राम आईडी नंबर है, इस ते मैनूं फॉलो करके मेरे नाल गल करके तां मैं इह पीडीएफ फाइल तुहाडे व्हाट्सएप नंबर उपर तुहानूं सेंड कर देंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर दो, क्वेश्चन नंबर एक की गल करिए। भारत में IR-8 चोलों दी किस्मां दी शुरुआत की गई है, इस तो पहले यह कित्थे होंदे सी? फिलीपींस नामक कंट्री विच IR-8 चोलों दी किस्मां दी शुरुआत हुई सी। उस तो बाद भारत ने भी यह जिहड़ी चोलों दी किस्मां नूं उगाना शुरू कर दिता गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 की गल करिए, मिट्टी की नमी किस द्वारा मापी जाती है? तो टेंसियोमीटर नामक एक उपकरण होंगे जिसनों मिट्टी में खुबोया जाता है, तो वह मीटर आपां नूं इस दी नमी बारे दस देंदा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की गल करिए, मीह की स्थिति किस द्वारा मापी जाती है? तो मीह गेज नामक एक उपकरण होंगे है, उस द्वारा मीह की स्थिति मापिया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की गल करिए, हरी क्रांति सब तो सफल रही सी किहड़ी फसलों लई? यह सफल रही सी तो जो हरी क्रांति का दौर चलिया सी तां कणक अते चौल दी जिहड़ी फसलां हुंदी सी इस विच काफ़ी इनक्रीजमेंट हो गई सी, काफ़ी वधिया आपां नूं पैदावार देण लग गई सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की गल करिए, हरी क्रांति की शुरुआत सब तो पहला किसने की सी? तो नॉर्मन वोरलाग नामक एक साइंटिस्ट से जिन्हें हरी क्रांति की शुरुआत की सी। एंड क्वेश्चन नंबर 6 की गल करिए, हरी क्रांति शब्द पहली बार वरता गया सी किस द्वारा वरता गया सी? डॉक्टर गौड़ द्वारा वरता गया सी। अच्छा, आप कन्फ्यूज नहीं होना, इन्होंने दोनों क्वेश्चनों में कोई भी क्वेश्चन पुट हो सकता है। जे अपने तो पूछा जाता शुरुआत किसने की सी हरी क्रांति की, तो नॉर्मन वोरलाग इसका सही आंसर रहेगा। तो हूँ उन्हें शुरुआत करती हरी, मतलब कि पूरी फसलों में पैदावार इनक्रीज़ करती, तो इसनों देख के डॉक्टर गौड़ ने इसनों नाम देता सी हरी क्रांति, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम देता सी। तो इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 7 की गल करिए, भारतीय नाम भारत में हरी क्रांति किसने लिया से, मतलब कि भारतीय किहड़ा बंदा सी जिन्हें अपने भारत में हरी क्रांति को इनक्रीज़ किया? तो याद रखो स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन ने भारत में इंट्रोड्यूस करवाया से हरी क्रांति को। नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, कणक की फसल में पहली सिंचाई किस समय दी जानी चाहिए है? तो CRI स्टेजिस कहें, इसनों आप क्रोन रूट के नाम नाल भी जानते हैं। तो एग्जाम में सीधा तुम्हें CRI स्टेज का ऑप्शन मिल जाएगा, जो CRI स्टेज में होंगी है कणक की फसल तो उस समय सिंचाई करनी चाहिए है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की गल करिए, डैश आम तौर पर मिट्टी की एसिडिटी ठीक करने लिए वरत्या जाता है, चूना जिसनों आप लाइम स्टोन के नाम नाल जानते हैं, इसनों अपनी मिट्टी में फैला दिता जाता है, तो जो यह चूना होंगे मिट्टी में जिहड़ी भी एसिडिटी यानी तेजाबी प्रोडक्ट्स होंगे ने चूना उसनों सोक लैंदा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की गल करिए, कीड़े मकौड़े आम तौर पर डैश से पाए जाते हैं, सूत यानी कोटन से आप देखा होगा जो आप नरमा दे अपने टिंडे जोगते हैं उस सूट देखने को मिल जाते हैं, नॉर्मल जहा क्वेश्चन से यह। तो क्वेश्चन नंबर 11 की गल करिए, 2019 पशुओं की आबादी में भारत का दर्जा की रहा है? भारत का दर्जा नंबर 1 ते रहा है। सारिया कंट्रियां का एक इंडैक्स सूची तैयार की गई सी जिस विच दर्शाया गया सी किहड़े कंट्री विच सब तो ज़्यादा पशु की आबादी है, तो भारत की सब तो नंबर 1 रहा सी। इस विच नंबर 12 की गल करिए, भारत में सब तो घट मैक्रो न्यूट्रिएंट किहड़ा है? तो नाइट्रोजन सब तो घट जिहड़ा मैक्रो न्यूट्रिएंट भारत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की गल करिए, भारत में वन महोत्सव दिवस कदों मनाया जाता है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जी डेट होंगी इंपोर्टेंट डेट होंगी इन्हों बारे डायरैक्टली एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में यह काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 जुलाई में जोड़ा अपना फोरेस्ट डे या वन महाउत्सव मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की गल करिए, मिट्टी में लूण के अनुकूल संतुलन को यकीनी बनाने लिए खेत तो वाधू पानी को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खेती निकास इस प्रक्रिया को कहा जाता है। नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, कंडी मिट्टी किस खेत्र में सब तो वध प्रचलित है? तो पठानकोट के एरिए कंडी मिट्टी पाई जाती है। तो नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, नारियल काली मिर्च अदरक नूं इको खेती विच उगाउण नूं डैश कहिंदे ने, तां मल्टी स्टोर कीती गई फसल इसनों कहा जाता है। तो दोस्तों जे ये क्वेश्चन तुहानूं बेनीफिशियल लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो में लाइक तो कमेंट जरूर कर लिया करो, तो चैनल में सबसक्राइब भी जरूर कर लिया करो। इस तों अलावा नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, सदाबहार इनकलाब की मियाद किस द्वारा दी गई सी? तो MS स्वामीनाथन द्वारा ही दी गई सी। तो इस तों अलावा नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, ITC फूड पार्क कित्थे स्थित है? कपूरथला विच ITC फूड पार्क स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की गल करिए, जंगलात संभाल एक्ट किस साल लागू किया गया? तो 1980 में, यह भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है।
याद रखियो जंगलात संभाल यानी फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट 1980 लागू किया गया सी। ते क्वेश्चन नंबर 20 की गल करिए, नीमे भूमि चौल और जूट लई सिंचाई की विधि में हड़ के तौर पर आप सिंचाई कर सकते हैं। नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, किसान डे कदों मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को किसान डे सैलीब्रेट किया जाता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन की गल करिए, सब तो प्रभावशाली सिंचाई प्रणाली कि ड्रिप द्वारा सिंचाई की जाती है? तो इस सब तो प्रभावशाली सिंचाई का प्रोसैस मनिया जाता है। तो नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, काली मिट्टी मुख्य तौर पर देश के किस हिस्से में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी सब तो ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 की गल करिए, पंजाब ने किहड़े महीने लड़कियों को समर्पित किया है? तो जनवरी 2021 जिहड़ा पूरा वीक है ये लड़कियों लिए यानी गर्ल चाइल्ड उन्होंने समर्पित किया गया सी। तो दोस्तों इस वीडियो में तुम्हें मैं मेन मेन जो क्वेश्चन वह प्रोवाइड करवा दिना, बाकी इस पीडीएफ फाइल में लेना चाहते हो तो तुम इंस्टाग्राम से मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके फिर मैं तुम्हें व्हाट्सएप उपर यही पीडीएफ फाइल सेंड कर देंगा। उस विच तुम चंगी तरह रीड कर सकते हो तो राइट ऑन कर सकते हो। तो आप होर मेन क्वेश्चन की गल करिए, पंजाब ने चावल तकनीकी की सीधी बिजाई के अधीन किन्नी मात्रा में जमीन लिया का फैसला किया है? तो 1 मिलियन हैक्टेयर जिहड़ा पंजाब सरकार द्वारा फरमान जारी कर दिता है कि पंजाब विच चावलों की नवी तकनीक लई सीधी 1 मिलियन हैक्टेयर जमीन पर बीज लाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नैक्सट की गल करिए, आप मुलापुर क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल के डैश रख दिता महाराजा यादविंदर सिंह स्टेडियम, महाराजा यादविंदर सिंह कौन ने? मैं वीडियो में कमेंट करके जरूर लिख दौ। एंड दोस्तों एक रिक्वेस्ट हो रहा है, वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन वो जो लो जा रहा है, प्लीज़ लाइक तो कमेंट कुछ भी कमेंट कर दिया करो, ABCD जो भी थोड़ा मन करे वो कमेंट में जरूर लिख दिया करो, तो जो इसका ऑडियंस रिटेंशन वो इनक हेल्प तो तुम कर सकते हो। ओके, तो हूँ आप नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, इंडियन हॉकी फेडरेशन चेयरमैन नेम मतलब कि इंडियन हॉकी के जिहड़ा चेयरमैन है उसका नाम की है? तो ज्ञानिंद्रो निबोमम। नैक्सट क्वेश्चन गल करिए, भारत की पहली एयर टैक्सी पंजाब के किस शहर में लॉन्च की गई थी? तो चंडीगढ़ में लॉन्च हुई सी। नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, पंजाब ने पिंडा विच फैले COVID-19 नाल नजिठण लई कोरोना मुक्त पिंड अभियान के हिस्से वजो किहड़ा विलखण प्रोग्राम पेश किया सी? तो कोविड फतेह नाम का एक अभियान लॉन्च किया गया सी, जिसका काम किसी पिंड जाके कोविड जिहड़ा फैल रहा उन्होंने टीकाकरण करना। तो नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, COVID-19 टीकाकरण का नाम भारत विच मतलब भारत विच कोविड वैक्सीन है जिहड़ा उसका किहड़े किहड़े नाम ने? एक तां कोविड शील्ड है, एक कोवा वैक्सीन, यह जिहड़ी दो वैक्सीन ने यह कोरोना वैक्सीन के तौर पर भारत विच यूज़ की जाती है। इस तों इलावा नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, कोवैक्सीन किस कंपनी द्वारा बनाया गया सी अते उसका चेयरमैन कौन है? जिहड़ा कोवैक्सीन जिहड़ा वैक्सीन है यह भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है, तो भारत बायोटेक का जिहड़ा चेयरमैन है वह कृष्ण एला जी ने। इस तों इलावा कुछ आप कंप्यूटर रिलेटड क्वेश्चन भी कवर कर लेने, क्वेश्चन नंबर जिवें इत्थे तुसीं देख सकते हो 69, यह कंप्यूटर रीफ्रैश शॉर्टकट की किहड़ा है? मतलब जो कंप्यूटर के आप पेज में रीफ्रैश करना वह शॉर्टकट की नॉर्मल आंसर है F5 होगा। तो हेठ लिखे विचों किहड़ा एक ऑपरेटिंग सिस्टम की उदाहरण है? तो विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी, तो MS-DOS भी यह ऑपरेटिंग सिस्टम ने, तो तिने ही यह उदाहरण ने। तो क्वेश्चन नंबर 71 की गल करिए, Ctrl+Z की वरतों अंडो करने कुछ भी अपने तो डिलीट हो गया तो उसमें रिकवर करने लिए अंडो आप यूज़ करते हैं। तो इस तों इलावा दोस्तों बाकी सारे नॉर्मल जो क्वेश्चन इस रिलेटड इंस्टाग्राम से आ जाओ, तो PDF फाइल मेरे तो लैके अपने एग्जाम की तैयारी परफेक्ट बना लो। जो ये वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो लाइक कमेंट तो सबसक्राइब जरूर कर दो।